निफ्टी ने 18,000 के लेवल को आज के दिन टच कर लिया है दोस्तों। जैसे कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था, निफ्टी के पास जो है स्पेस बचा हुआ है और निफ्टी 18,000 तक मूवमेंट दिखा सकती है हमें आज के दिन। बिल्कुल निफ्टी ने हमें 18,000 तक का मूवमेंट दिखाया है। मार्केट बुलिश है ये भी बताया था, हमें बेरिश कब होना है ये भी मैंने बताया था। आज के लिए देखेंगे, मैंने ये भी बताया था कि बैंक निफ्टी निफ्टी अगर मूवमेंट दिखाएगी तो बैंक निफ्टी भी हमें जो है लेवल दिखा सकती है, 42,200 तक का लेवल हमें दिखा सकती है। और बिल्कुल 42,200 तक का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में ने भी दिखाया है। तो कल के लिए क्या एनालिसिस होगी, क्या लेवल होंगे हम देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल देखेंगे, ऑप्शन चेन डेटा जानेंगे और उसके बाद हम टिप जानेंगे। टिप की मदद से आप डेली प्रॉफिट निकाल सकते हो, वो टिप हम जानेंगे। तो चलिए निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी में लेवल ड्रॉ करके रखे हैं मैंने, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा, ये लेवल सपोर्ट के जैसे निफ्टी में काम करने वाले। निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 18,122 का। निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होके डाउन साइड आती है तो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा 17,970, दूसरा सपोर्ट है 17,891 का। निफ्टी गैप ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला सपोर्ट हम यहाँ पे टारगेट की तरह अचीव करेंगे 18,065, दूसरा टारगेट हमारा 17,970 का रहेगा, ये भी हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है। निफ्टी समझ लीजिए इस लेवल को ब्रेक कर जाती है अप ट्रेंड में तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे आगे। निफ्टी गैप ओपनिंग होकर अप ट्रेंड में निकलती है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,122 का। निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर अप ट्रेंड में निकलती है, पहला टारगेट रहेगा 18,065, दूसरा है 18,122 का लेवल। निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला टारगेट हमारा 17,970, दूसरा टारगेट है 17,891 का लेवल। बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो लेवल है वो सपोर्ट के जैसे काम करेगा बैंक निफ्टी में। फ्लैट ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है बैंक निफ्टी, सपोर्ट हमारा पहला रहेगा 43,139, दूसरा सपोर्ट 43,000 का लेवल। फ्लैट ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है बैंक निफ्टी, पहला रेजिस्टेंस 43,270, दूसरा रेजिस्टेंस 43,484 का। बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला टारगेट 43,270, दूसरा टारगेट 43,139 का लेवल, ये लेवल भी सपोर्ट के जैसे काम करेगा। बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, पहला टारगेट हमारा रहेगा 43,484 का लेवल। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला टारगेट रहेगा 43,000 का लेवल, राउंड फिगर लेवल। और अगर इसे भी ब्रेक कर जाती है बैंक निफ्टी तो प्राइस एक्शन पे हम फिर से एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पर आप चाहे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, पहला टारगेट हमारा रहेगा 43,139, दूसरा टारगेट है 43,270 का लेवल। ये बैंक निफ्टी के लेवल थे। फिर निफ्टी के लेवल देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन डेटा जानेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन के निकल के आ रहे हैं, ऑप्शन चेन डेटा में हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिर निफ्टी के लेवल में ड्रॉ किए, ये रेजिस्टेंस है और ये जो है सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, पहला टारगेट हमारा 19,196 का है, दूसरा टारगेट है 19,256 का। फिर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर डाउन साइड निकलती है, पहला टारगेट हमारा रहेगा 19,090 का लेवल, ये इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती है तो स्टॉप लॉस को हमें ट्रेल करना है। फिर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 19,196, दूसरा रेजिस्टेंस 19,256 का। फिर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला टारगेट 19,196, दूसरा टारगेट 19,000 का। राउंड फिगर लेवल पकड़ लीजिए, यहाँ पे मैंने लेवल ड्रॉ किया है 19,090 का। फिर निफ्टी समझ लीजिए इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाती है तो भी हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। चलिए ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का मैंने ओपन कर रखा है, निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया 18,065 पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयो बन रहा है वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। ये जो आप लेवल देख पा रहे हैं 17,900 का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयो बन रहा है, ये लेवल पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आयो नज़र आ रहा है 18,100 पे। और 18,000 का जो लेवल है वहाँ पे काते की टक्कर है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे निफ्टी में काम करने वाले हैं कल के दिन के लिए। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है 43,233 के लेवल पे। और बैंक निफ्टी में अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करें तो सबसे ज़्यादा जो आयो बन रहा है 43,000 के लेवल पे मुझे अच्छा खासा आयो नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो सबसे अच्छा आयो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 40,500 पे। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा आयो मुझे 42,500 में नज़र आ रहा है। तो ये जो लेवल है 42,500, 43,000 और 43,500, ये लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के से बैंक निफ्टी में काम करने वाले हैं। ऑप्शन चंडे था मैंने बता दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी के लेवल बता दिए और बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बता दिए। अब जानेंगे टिप कल के लिए क्या निकल के आ रही है, सॉरी मंडे के लिए, जिसकी मदद से आप अच्छा खासा मंडे को प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हैं उसे हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। अगर आपने जो है मार्क नहीं किया अपने चार्ट में तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए और मार्क कर लीजिए अपने चार्ट में सारे लेवल को। जो भी लेवल मैं बताती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, आई बटन में जो भी वीडियो दे रखी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर जाके देखिए। स्ट्रैटेजी की वीडियो है उसमें, जो ऑर्डर बुक की वीडियो है उसे आपको ज़रूर जाके देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। तो चलिए देख लेते हैं टिप क्या निकल के आ रही है निफ्टी में। निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। निफ्टी में आप देख पा रहे हैं मजबूत रेजिस्टेंस को निफ्टी यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है। आज के दिन क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, और ये वन डे का टाइम फ्रेम है, मतलब एक दिन की एक कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डब्लू पैटर्न बन के अच्छा खासा निफ्टी अप ट्रेंड में गया था, रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड में निकला है। तो अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है और यहाँ पे कोई वन डे की बेयरिश कैनल बन जाती है तो हमें पुट साइड एंट्री मिल सकती है, फिर से हम पुट साइड आ सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट हो जाता है इसका प्राइजेक्शन बन के, इस तरह से वन डे टाइम फ्रेम है तो प्राइजेक्शन बनने के लिए 2-3 दिन जाएगा दोस्तों। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है, समझ लीजिए इस तरह से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होकर अप ट्रेंड में निकलता है मार्केट, तो ये जो जोन है यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट ऑलरेडी पहले साइडवेज हो चुका है। तो ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, मतलब 2-3 दिन के लिए या 3-4 दिन के लिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है। तो 3-4 दिन के लिए हमें ट्रेडिंग जो है अवॉइड करनी पड़ेगी, या तो छोटे छोटे टारगेट लेके एग्जिट होना पड़ेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट होने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी, तो हो सकता है ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट थोड़ा सा पॉज ले यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जो है बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट अप ट्रेंड में दिखा चुकी है। तो हो सकता है मार्केट अब थोड़े दिन के लिए पॉज ले और यहाँ पे साइडवेज चले थोड़े दिन, उसके बाद एक अच्छा अप ट्रेंड में मूवमेंट आ सकता है। जो लेवल होगा यहाँ पे 44,000 का लेवल, यहाँ तक के लेवल हमें अप ट्रेंड में दिखाई देंगे। अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है तो मार्केट को यहाँ पे पॉज लेना ही पड़ेगा 3-4 दिन के लिए, तब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। फिन निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो फिन निफ्टी ने यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है। फिन निफ्टी एक बार रिट्रेसमेंट लेने आ सकती है इस लेवल को टच करके, जो है 19,311 का, इस लेवल को टच करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने आ सकती है, फिर यहाँ से रिवर्सल ले सकती है अगर उसे रिवर्सल लेना है तो। तो फिन निफ्टी में हम छोटे टारगेट के लिए जा सकते हैं, कल के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों में ही। तो ये थे दोस्तों लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के। टिप मैंने बता दी, ऑप्शन चंडेता का मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया आपको। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके और खुद से ट्रेडिंग करना सीख सके, खुद से एनालिसिस करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।